तिमी मेरी प्यारी सी तिमी, यहाँ पे कुकिंग हो रही है, बच्चों के बर्गर्स बनाएंगे और यहाँ ये मैडम बैठी हुई है, ये देखो ये बैठी है अपनी मामा के बिल्कुल साथ। मैं ज़रा इनकी भी इनका भी ख्याल कर लूँ, ये ना हो कि मेरे बर्गर का फालूदा बन जाए, वो बर्गर ना हो वो फालूदा हो। मैं आप लोगों को अपना किचन दिखाती हूँ। पहले आपने किचन मेरा देखा था, बहुत मैसी हो रहा था, अब किचन आप देखें। ये मेरा किचन है, कबाब हमारे हो गए हैं, बंदी हो गया बेचारा, इनको निकाल लेते हैं, गोल्डन गोल्डन ब्राउन। अब वो जो है वो शोर मचा रहा है कि ये मैडम इधर आ गई है तो मुझे क्यों नहीं आप लेके गए। उसके शोर को देखें तो ये मैंने इधर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, थोड़ी आज हम छोटी करेंगे एग्स के लिए, आज बहुत छोटी रखनी पड़ती है। कट्ठा डालते हैं, फैला लेंगे। ये दो देसी अंडों का मैंने ऑमलेट बनाया है, सर्दियों में बच्चों के लिए देसी अंडे बहुत बेहतर रहते हैं क्योंकि ठंड बहुत होती है तो उनको ठंड नहीं लगती अगर रात में वो किसी भी फॉर्म में देसी अंडा ले लें तो ठंड से बच जाते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी मैं आपकी बात सुन रही हूँ, अगर आप लोगों को इकट्ठे करें तो आप अटैक्स करते हैं एक दूसरे पे, और अगर अलग करें तो एक दूसरे के बगैर अब आवाज़ें लग रही हैं एक दूसरे को। मिठू इसको बुला रहा है, ये मिठू को आवाज़ दे रही है, अभी सुनिएगा जैसे ही वो बुलाएगा ये भी जवाब देगी। मेरे ऑमलेट जो है उसमें फूलों में होल क्यों है, ऑमलेट गोल क्यों है, वो वाला हिसाब हो गया जी। इसको हमने पलटना है, टेक्निकल बात ये है कि पलटा ठीक जाए, ये ना हो, ठीक है, टेक्निकल लोग हैं क्या करें, कैसा ज़बरदस्त पलटा किया। इसको ऐसे 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 दबा के देखा है आपने, मीठू आवाज़ देता है तो टिमी साथ आवाज़ देती है, देखा है साथ साथ मैडम झूले ले रही है, देखा है आपने मैडम के नखरे, मैडम के नखरे चेक करिए आप, बस मैडम के नखरे, ये देखा है वो आवाज़ देता है, ये जी कहती है कैसा है। और जब इकट्ठा इनका रख दो पिंजरा तो एक दूसरे को खाने काटने को आते हैं। ये ऑमलेट बन रहा है, मज़ेदार ऑमलेट, इसको थोड़ा सा इस तरफ से और हम ब्राउन करते हैं। ये हमारे कबाब पड़े हुए हैं और वो हमारा ऑमलेट बन गया है।
स्विच ऑफ करते हैं। हाँ जी, क्या कह रही हो टिमी? टिमी आंटी को क्या मिलेगा? टिमी आंटी को क्या मिलेगा? ये इसके लिए मैंने एक बॉक्स बंद लगाया था कि ये इस बॉक्स के अंदर चली जाया करेगी और खेलेगी अंदर। ये देखें, इसने इसके कवर को सारा काट काट के छोटा छोटा, तो इसको सब ख़त्म कर दिया कवर को। ये टिमी आंटी की हरकतें हैं। हम 3 pieces में डिवाइड करेंगे क्योंकि मुझे 3 burger सभी बनाने हैं, तो इतना इतना फिर ये लगेगा। ठीक है, ये मैंने जी 3 tablespoons ली है चिकन स्प्रेड। मेरे बच्चे मेयोनीज वाले बर्गर नहीं खाते, चिकन स्प्रेड वाले खाते हैं। ऐसे ज़्यादातर लोग मेयोनीज में बनाते हैं, मैं चिकन स्प्रेड में बनाती हूँ। तो ये चिकन स्प्रेड ले लिया और अब इसमें जाएगा टोमेटो केचप। काफी क्वांटिटी में, बच्चों की फेवरेट चीज होती है, अगर ये अच्छी क्वांटिटी में नहीं होता तो बस फिर कुछ नहीं खाना। साथ में ये हम थोड़ा सा चिली वाला पेस्ट डालेंगे। लाइट में रखो, ये थोड़ा सा रोशनी का प्रॉब्लम है। ये ज़्यादा नहीं डालनी, बहुत स्पाइसी हो जाएगा क्योंकि ऑमलेट में भी चिली है। मिक्स कर लें, ये कुछ ऐसा सा पेस्ट बनेगा। ये बहुत मज़े की सॉस बनती है, बहुत ही यमी किस्म की। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तीनों सॉस केचप जो हैं वो मर्ज हो जाए। यम यम, देखे ज़रा बुला रहा है। ये मैंने 6 buns लगा दिए, इनको हल्के हाथ से सेकते रहेंगे। थोड़ी आँच आहिस्ता रखें, मुझे बहुत तेज़ आँच नहीं पसंद क्योंकि बहुत तेज़ आँच पे हर चीज़ बस जलती है, कुक नहीं होती। हल्की आंच में ये होता है कि हर चीज़ पकती है जलने की बजाय। ये बहुत अच्छे, ये हमारे पास डॉन के बहुत अच्छे बन होते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है बट मुझे ये पसंद है तो मैंने कहा आपको बताऊं। इनके पीसेस हुए हुए होते हैं, काटने नहीं पड़ते, तो ऑलरेडी ये पीसेस हुए हुए हैं। ये देखिए, ठीक है, उनको सेक अच्छा सा लेना है आपने। बस इतना इतना सेक लेंगे। ये अब ऑमलेट है, ये बन है और ये सॉस है। ठीक है, अब 1 bun लेके और बहुत शोर मचा रही हूँ, ये कबाब भी है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी सॉस लेंगे, यमी सी सॉस आपने डाली।
अच्छी तरह लगाते हैं, उससे ये एक हाथ से लग नहीं रही। ये देखिए ये लग गई। अब वन एग इसके अंदर जाएगा, ये हमने एग दे दिया, फिर हम थोड़ी सी एग लेयर दे देंगे ताकि एक्सट्रीम यमी बने, स्लिप भी नहीं होता ना, खुलता भी नहीं है फिर बहुत। और साथ ही हमने ये लगा और इसके ऊपर हम ये देखेंगे, ये बर्गर है, बहुत यमी सा। मैं इसमें वो घास फूस नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, कोई डालना चाहे तो वो इसके अंदर सलाद पत्ता टमाटर वो चीज़ें डाल सकता है, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चे नहीं पसंद करते तो मैं उस हिसाब से बनाती हूँ जो वो शौक से खा सके। वो उसमें से वो चीज़ें निकाल देते हैं, उनको नहीं चाहिए होती। ये एक इसके ऊपर ये बन गया, ये मेरा बर्गर तैयार है। ये इसकी दरमियान से और ये इसके, ये देखिए ये इसकी लेयर्स हैं, बहुत यम्मी सा है। और ये देखिए सॉस कैसे ड्रूल हो रही है, यम यम। चलो मैडम अब तुम भी चलो अपने घर वापस, अपने घर वापस जाओगी। ये इसके, ये लो मिठू आ गई है, ये आ गई है तुम्हारी फ्रेंड। चलो अब करो फाइट्स आपस में।